नहीं कर रहे हैं। चलो देखो, कामना टॉपिक पूरा हो गया था, ठीक है, तो आज अपन करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट। और लगभग लगभग ये टॉपिक दो सवाल देखे जाएगा एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है, मेमोरी, मेमोरी के कम से कम दो सवाल, और अगर पेपर अच्छा होना तो चार से पांच सवाल बनते हैं, लेकिन दो सवाल हमेशा बने हैं, हर पेपर में बने हैं, क्लियर है। और हमें ये गलत नहीं करने होते, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा वो लोग गलत करके आते हैं। ये दो तो आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है, समझ में आया कि नहीं आया। तो बात करते हैं मेमोरी का, अब जरा थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखते जाओ, मजा आएगा। चलिए देखिए, तो अगर मैं आपसे कहूँ मेमोरी, तो इस शब्द को सुनते ही तुम्हारे दिमाग में जो पहला विचार आना चाहिए वो क्या है कि मेमोरी क्या होती है, या मेमोरी की अवधारणा का क्या मतलब है। तो मेमोरी का यहाँ जो मतलब है उसका है, वो है स्पेस, क्या है, स्पेस या जगह। मैं भी टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति कहे मेमोरी, तो मेमोरी शब्द को सुनते ही तुम्हारे दिमाग में जो पहला विचार आना चाहिए, और वो विचार है क्या, इसका अर्थ किससे, स्पेस या जगह से, ठीक है। और हम जानते हैं इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे करने के लिए स्पेस की आवश्यकता ना हो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इस दुनिया में अगर किसी भी कार्य को करने के लिए स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी कोई भी कार्य करना है उसे भी स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, और जो स्पेस वो इस्तेमाल करेगा दैट स्पेस इज नोन एज मेमोरी। तो कंप्यूटर के परिपेक्ष में मेमोरी का क्या है कि भाई उसे जो भी काम करना है उस कार्य को करने के लिए लगने वाली जगह, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर हुआ। कंप्यूटर के द्वारा किसी भी कार्य को करने के दौरान जो जगह, जो स्पेस क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कंज्यूम की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। जो भी कार्य किया जाता है उसके लिए जो जगह लग रही है उसे आपने क्या बोला, मेमोरी बोला। तो कंप्यूटर करता क्या है, कंप्यूटर करता क्या है ऐसा भाई, तो तुम बताओ कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और बूटिंग नहीं करता, बूटिंग एक्चुअली अलग चीज है, ठीक है, वो सब कार्य नहीं है, प्रक्रिया का हिस्सा है। चलिए एक हो गया प्रोसेसिंग, और क्या करता है कंप्यूटर, चलिए प्रोसेसिंग करता, सही है आपका जवाब, आगे और क्या करता है, क्यों विष्णु जी, प्रोसेसिंग के अलावा कंप्यूटर और क्या करता है, तो प्रोसेसिंग करता, सही बात है, तो पहला है प्रोसेसिंग, लेकिन एक कार्य और करता है, दैट इज स्टोरेज, दैट इज स्टोरेज। और अगर हम बात करें तो कंप्यूटर यही दो कार्य करता है मुख्य तौर पर, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो मैं कहूंगा कि भाई अगर हमारे पास मेमोरी है तो ये भी दो तरह की होनी चाहिए, कितनी तरह की होनी चाहिए, दो तरह की, एक प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ आप कुछ नहीं लिखोगे इसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, और दूसरी स्टोरेज के लिए, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कंप्यूटर, मतलब हमारा कंप्यूटर दो तरह के कार्य करता है, एक कार्य है प्रोसेसिंग का और दूसरा कार्य है स्टोरेज का, ठीक है, कोई समस्या नहीं, एक प्रोसेसिंग का कार्य है और दूसरा स्टोरेज का कार्य है। और अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि एक प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली मेमोरी होगी और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली मेमोरी होगी, हमारे पास कितनी मेमोरी होगी, दो तरह की, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए प्रोसेसिंग और स्टोरेज में से कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, प्रोसेसिंग और स्टोरेज दो काम है, इनमें से कौन पहले नंबर पे आएगा, मतलब मुख्य है और कोई सेकेंडरी है, सीधी सी बात है, प्रोसेसिंग क्या है, मुख्य है और ये सेकेंडरी है। तो मैं बोलूं प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाली मेमोरी को मैं बोलूंगा क्या, मेन मेमोरी,
प्राइमरी मेमोरी, क्या बोलूंगा प्राइमरी मेमोरी, इस स्टोरेज के इस्तेमाल होने वाली मेमोरी को बोलूंगा मैं सेकेंडरी, क्योंकि भाई कार ही सेकेंडरी है। बात आई समझ में? क्या देखा? तो बेसिकली हमारे पास दो मेमोरी हैं, वो कैसे हैं दो मेमोरी, क्योंकि हमें दो ही तरह के कार्य करते हैं कंप्यूटर के लिए, एक प्रोसेसिंग का कार्य और स्टोरेज का कार्य। तो प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाली मेमोरी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, स्टोरेज के लिए यूज होने वाली मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। कोई दिक्कत? चलिए, ये दो चीजें होंगी। अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं कि भाई एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी हो गई और एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी हो गई, क्लियर है? अब दोनों कुछ गुणों पे बात करते हैं, क्लियर है? अगर मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, अगर मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ तो हमारा अधिकतर जो डेटा होगा उसे स्थायी तौर पर भंडारित करना है या टेम्परेरी रखना चाहिए? टेम्परेरी रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? टेम्परेरी। तो ये अधिकतर कैसा होगा? ये कैसी होगी अधिकतर? टेम्परेरी होगी, और टेम्परेरी के स्टैंडर्ड वर्ड है वोलेटाइल। कैसी होगी? अधिकतर वोलेटाइल होगी। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी चीज हम बात करते हैं। अब अगर आप क्या देख रहे हो कि टेम्परेरी होगी, दूसरी बात इसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? अब प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, स्पीड यह सस्ती होगी या महंगी होगी? पता आप सोचो, महंगी होगी। स्पीड अगर अधिक है, सीधी सी बात है महंगी, सिंपल सी बात है भाई, सुपर फास्ट ट्रेन का टिकट महंगा मिलता है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पैसेंजर का सस्ता मिलता है, तो ये क्या है? तेज काम करने वाली है, तो ये कैसी हो गई? हो गई महंगी। और महंगी चीज आप ज्यादा यूज करते हो या कम यूज करते हो? बताओ, महंगी चीज आप ज्यादा यूज करते हो या कम यूज करते हो? कम यूज करते हो। सोना ग्राम में खरीदा जाता है, किलो में नहीं, बीमारी नहीं आ रही? लोहा किलो और टन में खरीदा जाता है, ग्राम में नहीं। क्यों? सोना महंगा है, लोहा सस्ता है, सिंपल सी बात है। अगर ये महंगी है तो हम कम यूज करेंगे, कम मतलब कम कैपेसिटी की। तो अगर आपसे पूछें इसकी कैपेसिटी कम होगी, भंडारण क्षमता, क्योंकि भाई इसका काम ही नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी कैसी हुई? इसकी कैपेसिटी कैसी हुई? कम हुई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ये प्रॉपर्टीज पता है तो इसकी उल्टी क्या कर दो? सेकेंडरी में कर दो। चलिए, सीधी सी बात है, तो ये कैसी होगी? टेम्परेरी या परमानेंट? ये परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि भंडारण करना मेरे भाई स्टोरेज लंबे समय तक रखना है, स्पीड कम होगी, ये सस्ती होगी और कैपेसिटी ज्यादा होगी। भाई हमारा भंडारण करना है ना, तो हमें बहुत सारा डाटा रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच में हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ी देर अपने आपको शांत बैठा लो और सोचो कि भाई मेमोरी क्या है, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। मेमोरी मतलब जगह, किसकी जगह? कंप्यूटर की, ठीक है? तो कंप्यूटर कोई भी कार्य करेगा और उस कार्य को करने के लिए जो स्पेस इस्तेमाल करेगा, दैट इज मेमोरी। अब कंप्यूटर दो तरह के कार्य करेगा, एक प्रोसेसिंग का और एक स्टोरेज का। प्रोसेसिंग के लिए कार्य करेगा तो दो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और स्टोरेज के लिए कार्य करेगा तो सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब प्राइमरी मेमोरी है कैसी होनी चाहिए? भाई प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो भाई हर चीज प्रोसेस करके स्टोर पूरी करते चलेंगे,
प्रिंटर एंड स्कैनर क्या है, क्या आंसर है? प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी की तुलना में महंगी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत? इस सिंपल सवाल है, अगर मुझे थोड़ा कठिन तो क्या पूछूंगा?
बना लिया। ऑप्टिकल डिस्क की है, उसकी कैपेसिटी है कितनी? दैट इज 125 टीबी, 125 टेराबाइट। अब हम बात करते हैं क्या प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी की। तो यहाँ हम तुम्हें जो प्राइमरी मेमोरी के जब सवाल पूछेंगे तो हम ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा रहे हैं, हम तुम्हें सीधे किसी से इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो जब मैं प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन लिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन लिखाऊंगा नहीं, हम पूछेंगे तुमसे सवाल और उन सवालों के आधार पर तुम अपनी डेफिनेशन तैयार कर पाएगा। तो मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ एस मेमोरी है, एस मेमोरी है जो सीपीयू के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर एक्सेसिबल है, की जा सकती है। चलिए तो हमने ये बोला, क्या बोला? डैश मेमोरी है जो सीपीयू के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उपयोग की जा सकती है। तो भाई क्या क्या लगाओ, सेकेंडरी प्राइमरी क्या क्या लगाओगे? प्राइमरी प्राइमरी लगाओगे या सेकेंडरी लगाओगे? दो ही ऑप्शन तुम्हारे पास, प्राइमरी क्यों लगाओगे? प्राइमरी प्रत्येक में डायरेक्टली बताओ, देखो रीजन पकड़ लो, कहानी समझाइए, हमें लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों लगा रहे हैं प्राइमरी? सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल, हमने बताया प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाली मेमोरी, हमने क्या बताया प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाली मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी प्रोसेसिंग। तो कभी अगर आ जाए कि बताइए कि डायरेक्टली सीपीयू किसका इस्तेमाल करता है? प्राइमरी मेमोरी का, इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी का, मुख्य मेमोरी का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या
ठीक है, जैसे ये बेस मेमोरी है जो प्राथमिक मेमोरी की सहायक है, यहाँ आंसर क्या है सेकेंडरी। तो देखो सिंपल सी बात है, प्राइमरी मेमोरी अपना काम कर रही है, लेकिन जब प्राइमरी मेमोरी अपना काम कर लेती है तो उसके बाद जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को स्टोर करने के लिए दूसरी मेमोरी का आवश्यकता पड़ती है। तो प्राइमरी के बाद इस्तेमाल में लाई जा रही है तो ये कैसी हुई सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगले सवाल, क्या देखा वह मेमोरी जो प्रत्यक्ष तौर पर सीपीयू के द्वारा यूज नहीं होती लेकिन रैम की सहायता से होती है, मतलब सीपीयू डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहा, रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी की सहायता से यूज कर रहा है, और प्राइमरी मेमोरी की सहायता से नहीं होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने यार जानबूझ के ऑप्शन देख रहे हैं, कई बार ऑप्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी ना देकर क्या देते हैं हार्ड डिस्क रैम सीडी डीवीडी करके देते हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वहां आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी ना देकर प्राइमरी और सेकेंडरी के एग्जांपल दिए जाते हैं, और यही रीजन है कि हमने यहां ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि हमने इनके बारे में बात नहीं करी। लेकिन सीबीसीटी के पेपर में या किसी दूसरे पेपर में मोस्ट प्रोबेबली संभावना क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऑप्शन में ना मिलके रैम वगैरह मिले, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ ये मिलेगा, आगे चले तो ये दोनों की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं, प्राइमरी क्या होती है सेकेंडरी क्या होती है, और अब हम बात करते हैं रोम आर ओ एम पे, ठीक है, किस पे बात करते हैं रोम पे बात करते हैं। तो ये लेके चलना कि लगभग लगभग तुम्हारे पेपर में मोस्टली या तो रोम पूछी जाती है या रैम पूछी जाती है, इसका सवाल मिलता ही है, ठीक है। और जब जवाब वह मेमोरी जो सीपीयू के द्वारा सीधे तौर पर एक्सेस की जाती है तथा जो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा प्राइमरी मेमोरी कहा जाएगा, ठीक है। यह तेज होगी, यह महंगी होगी, इसकी कैपेसिटी कम होगी। फिर सेकेंडरी, वह मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी की सहायता से इस्तेमाल में लाई जाए उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, इसे सीपीयू के द्वारा सीधे तौर पर एक्सेस नहीं कर सकते, इसकी भंडारण क्षमता ज्यादा है, ठीक है, की स्पीड कम है और यह सस्ती होती है। दैट्स इट, क्या इनडायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, नाम में ही सेकेंडरी है, सेकेंडरी नाम ही बता रहा कि सीपीयू के द्वारा ये सीधे तौर पर एक्सेसिबल नहीं है। हम प्राइमरी मेमोरी डाटा नहीं भेजती, प्राइमरी मेमोरी डाटा स्टोर करती है प्रोसेसिंग के लिए, और जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो आउटपुट भेजती है, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखो, तो यहाँ हम बेसिकली बात करेंगे रोम, इसको बात करेंगे रोम। तो रोम का एक क्लासिक तरीका जो पढ़ाने का है वो क्या है, सबसे पहले हम रोम का फुल फॉर्म पढ़ाएं, ROM, रोम रीड ओनली मेमोरी, और इसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करें, ठीक है, बात समझ रहे हो? लेकिन हम ऐसा नहीं करते, आई डोंट लाइक इट। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई हम इसको नाम देके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे इसका नाम ये पड़ा क्यों, आखिरकार इसे रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा गया, क्लियर है कि नहीं है? और अगर इस रीजन को पकड़ लोगे तो बहुत सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे, क्लियर है कि नहीं है? चलो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कंप्यूटर किस तरह की मशीन है, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, कंप्यूटर क्या है,
कंप्यूटर को आप स्मार्ट कहोगे या कंप्यूटर को आप डंब कहोगे? व्हाट डू यू मीन? कंप्यूटर किस तरह की मशीन है? इट इज अ स्मार्ट स्मार्ट मशीन और अ डंब मशीन। कितने लोग कह रहे हैं स्मार्ट है? एक डंब स्मार्ट कैसे तुम्हारे हिसाब से कंप्यूटर क्या है स्मार्ट और डंब? और यहाँ जो बताएंगे वो भी अपनी राय बताएंगे, कोई ऑफिशियल राय नहीं किसी व्यक्ति ने कहा हो कि चार्ल्स बैबेज कहे गए थे या एलन ट्यूरिंग ने ये कहा था, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। हम तो केवल अपनी राय बता रहे हैं। तो तुम्हारी राय क्या है, कंप्यूटर इज अ स्मार्ट और डंब मशीन? अब दोनों डंब तो नहीं, मैं ये बताऊं एक के साथ नहीं कर रहा स्मार्ट भी है। बोलो बोलो बोलो। तो मैं अपनी राय बता देता हूं, आप लोग अगर डिवाइडेड हो तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर इज अ डंब मशीन। कंप्यूटर इज अ डंब मशीन, इट इज नॉट अ स्मार्ट मशीन। समझ में आ रही है? क्लियर क्लियर। देखो मैं बताता हूँ मैं क्यों इसे स्मार्ट नहीं मानता। ये खुद से कोई कार्य नहीं कर सकती। अब मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मली। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हो, मेरे जूते फट गए हैं, नए शूज लेने हैं। सुनो, जूते फट गए हैं, नए शूज लेने हैं, तो क्या करेगा? आपको इंस्टाग्राम पर, आपको फेसबुक पर, आपको यूट्यूब पर जूते के ऐड देखना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब वो ये सुनता है कि भाई हमारा एग्जाम है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं मोबाइल के चक्कर में, मैं ना ठीक हूँ। लेकिन अब आप भी अगर थोड़ा सा भी केयर करता हो, स्मार्ट हो, तो कर दे इंस्टाग्राम ब्लॉक कि तुम्हारा एग्जाम है तो तुम आधे घंटे ज़्यादा इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे। नहीं करता तो कहाँ से स्मार्ट मान लेते हैं? हमारे हिसाब से तो डम्ब है। बेसिकली अगर डम्ब कहने का ये तो मजाकिया तरीका था, सही अगर बात करी जाए डम्ब इसलिए क्योंकि ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। इवन आप जितनी भी AI मशीनें देख रहे हो वो भी क्या है, पहले से ही प्रोग्राम की हुई है, उन्हें हर चीज सिखाई हुई है। आप जितनी मशीनों को आज एडवांस मशीनें देख रहे हो वो सब प्रोग्राम है, उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल के सिखाया गया है। वो अपने आप से कुछ नहीं सीख पाती, बहुत ज्यादा अपनी ओर से बहुत ज्यादा नहीं सीख पाती, उसे सालों लगते हैं ट्रेंड करने में। सीधी सी बात है, अगर हर एक इंस्ट्रक्शन फीड कराना पड़ रहा है तो उसे हम स्मार्ट नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, डंब कहेंगे। तो अब बात आ गई है रोम को पढ़ाने में डंब मशीन का क्या होना है। और ये भी हमें करना पड़ता है, उसे फीड करके बताना पड़ता है, ठीक है। मतलब हमें अगर कंप्यूटर को ऑन करना है ना, सुनना, अगर हम कंप्यूटर को ऑन करना है ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को ऑन करने संबंधित निर्देश। कंप्यूटर को ऑन करने से संबंधित निर्देश, निर्देश क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। और इन निर्देशों को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, स्पेस। तो भाई इसको स्टोर करने के लिए हमने आपकी एक चिप लेके आए, कंप्यूटर को ऑन करने से संबंधित निर्देशों को एक सिलिकॉन बेस्ड चिप में स्टोर कर दिया, तो इसकी प्रवृत्ति मतलब ये जो चिप होगी ये टेम्परेरी होगी या परमानेंट होगी? तुम क्या चाहोगे, ये निर्देश हमेशा बने रहे या चेंज होते रहे? तुम क्या चाहोगे, चेंज होना मुश्किल हो, हमेशा बने रहे। तो इसकी प्रवृत्ति तुमने क्या कर दी कि भाई चेंज ना हो पाए, कैसा हो जाए, परमानेंट हो जाए। कैसा हो जाए, परमानेंट। और एक बार स्टोर होने को दिए परमानेंट हो गए तो इसे आप चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसे आप केवल पढ़ पाओगे। परमानेंट कर देते हो क्या पढ़ कर पाओगे, केवल पढ़े जाएंगे, केवल पढ़े जाएंगे। और केवल पढ़े जाने का जब ट्रांसलेशन करो read only, क्या हुआ,
और ये क्या है, मेमोरी है, तो दैट्स व्हाई मेमोरी। इसीलिए देखो हमें आवश्यकता थी इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया, हमें अगर इसकी आवश्यकता नहीं होती तो हम दूसरे तरीके से बनाते। तो रोम वास्तविकता में क्या है, एक ऐसी सिलिकॉन बेस्ड चिप है जिसमें कंप्यूटर को ऑन करने से संबंधित निर्देशों को स्टोर किया गया है, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि इन निर्देशों में कोई हो किसी प्रकार का चेंज किया जाए, या चेंज हो तो बहुत ही कम हो, तो इसीलिए हमने इसको क्या बना दिया, परमानेंट बना दिया, और जो चीज परमानेंट होती है दैट इज रीड ओनली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप जरा सोचो कि पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, बड़े बड़े चट्टानों पर क्या खुदवा देते थे, अभिलेख खुदवा देते थे, आदेश खुदवा देते, भाई क्यों, देखो लंबे समय तक बने रहे, लंबे समय तक बने रहे, और आप जाओ और बार बार केवल पढ़ो, ये नहीं जाके मिटा के सुधारा हो, समझ में आया कि नहीं आया, वो कैसे देखते हो, रीड ओनली, जिसमें आप सुधार नहीं कर पा रहे हो कैसे, रीड ओनली, बात आई समझ में, क्लियर, तो इस मेमोरी का नाम क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत, तो हम तुमसे क्या कहेंगे, व्हाट इज रोम, एक ऐसी सिलिकॉन बेस्ड चिप जिसमें कंप्यूटर को ऑन करने से संबंधित निर्देशों को स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, रोम कहा जाएगा, अर्थात रीड ओनली मेमोरी कहा जाएगा, इसमें भरे गए निर्देश या तो बिल्कुल नहीं या बहुत कम चेंज किए जा सकते हैं, समझ में आया कि नहीं है, पर ये बोले ये बिल्कुल नहीं या बहुत कम चेंज, तो ये सवाल है 2023 के शायद लास्ट पेपर का, समझ में आ रहा है, वह मेमोरी जो बिल्कुल या बहुत कम चेंज होती है कौन कहलाती है, रोम कहलाती है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे चलें, अब जरा बताओ कि अब इसका इस्तेमाल ये जो मेमोरी है वो कौन यूज करेगा, सीपीयू यूज करेगा डायरेक्टली, सीपीयू तो यूज करेगा, तो इसको किससे रिलेट करा जाए, प्राइमरी कैटेगरी में डाल दिया गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हम इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, तो अब तुम्हारे दिमाग में बना कि नहीं बना, इसे हम रीड ओनली मेमोरी से भी स्टार्ट नहीं करते, तो हमने क्या देखा, रोम क्या है, यह है सिलिकॉन बेस्ड चिप है जिसमें कंप्यूटर को ऑन करने से, कंप्यूटर को ऑन करने से, ऑन करने से संबंधित निर्देशों को, संबंधित निर्देशों को, निर्देशों को स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, बोली अभी रैम पे आएगी ना, बन रैम पे आएगी तो ये रीड ओनली मेमोरी है, रोम प्राइमरी मेमोरी तो रोम है,
समझ में नहीं आया आपको? मैंने एक सवाल पूछा कि रूम में डाटा भरा जा रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो इस डाटा को भरने की प्रक्रिया कोई नाम है? अगर है तो क्या? क्या होता है? नहीं, बर्निंग, बर्निंग कहलाती है। क्या है? बर्निंग कहलाती है, याद रखना। रोम में डेटा स्टोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है, याद रहेगा। क्या कहलाएगी? बर्निंग कहलाएगी, ठीक है, याद रखना, बर्निंग कहलाती है। चलिए अब इसी प्रकार अगर मैं पूछूं रोम को अपडेट करने की प्रक्रिया, रोम को अपडेट करने की प्रक्रिया, अगर मेरा मन रोम को अपडेट करने का है तो ये प्रक्रिया कहलाती है, रोम को अपडेट करने की प्रक्रिया। क्या कहलाती है? रोम को अपडेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रोम को अपडेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नहीं पता किसी को? फ्लैशिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? फ्लैशिंग, याद रखिएगा। बर्निंग के द्वारा डाटा को स्थायी तौर पर सेव किया जाता है या फिर रोम को अपडेट करने के लिए क्या किया जाएगा? फ्लैशिंग की जाती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इस बात करते हैं। हमने क्या बोला? यह सिलिकॉन बेस्ड चिप है जिसमें कंप्यूटर को ऑन करने से संबंधित निर्देश कंप्यूटर को ऑन करने से संबंधित निर्देश। इतनी बड़ा सेंटेंस पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्या बोला जाएगा? BIOS कहा जाएगा। तो अगर आपसे पूछेंगे BIOS को स्टोर करते हैं रोम में, BIOS को स्टोर करते हैं रोम में, अभी सवालों की कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी। हम चाहे तो ऐसा पूछ सकते हैं या फिर ऐसा पूछे BIOS को स्टोर किया जाता है रोम में, BIOS को अपडेट करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? फ्लैशिंग। या फिर हम पूछें कि BIOS को स्टोर करने की प्रक्रिया कहलाती है का कार्य होगा बूटिंग नाम का।
तो हम जानते हैं कि हमारे BIOS में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस दो तरह के कार्यों के लिए हैं, क्या एक बूस्ट नाम के कार्यों के लिए और दूसरा बूटिंग नाम के कार्यों के लिए। क्लियर हुआ? ठीक हुआ। एक बूस्ट नाम के कार्यों के लिए और दूसरा बूटिंग नाम के कार्यों के लिए। अब बात करेंगे कि व्हाट इज बूस्ट और व्हाट इज बूटिंग। बूस्ट क्या है, बूटिंग क्या है, ये देखना है। क्या देखेंगे, बूस्ट क्या है और बूटिंग क्या है, ठीक है, तो मिलेंगे अपन। ओके, बाकी जो कहानी है वो हम कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नहीं कल देखेंगे। क्लियर है?